व्यावसायिक शिक्षक उत्तरे गहलोत सरकार के विरोध में सभी शिक्षकों को 28 फरवरी अपनी सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी। महासंघ कर्मचारी ने दिया सहयोग। गहलोत सरकार के विरोध में आज व्यावसायिक शिक्षकों ने कलेक्टिव पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि हम सबको राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी हुआ, इसमें लिखा है कि आपकी सेवा 28 फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। पूरे राजस्थान भर में ऐसे 1800 शिक्षक हैं, किसी को कई महीनों से मानदेय भी नहीं मिला है। हम सभी व्यावसायिक शिक्षक हैं जो पिछले 2014-15 से सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को पढ़ा रहे, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक। और अचानक से राज्य सरकार के द्वारा एक हमारे को आदेश दिया गया है कि 28 फरवरी हम लोगों की आखिरी हमारा जो कार्य दिवस है वो 28 फरवरी है। इससे पहले हम लोग पिछले एक साल से वहाँ पे मतलब लगातार निरंतर कार्य करने के बावजूद भी हमको पिछले एक साल का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। फिर भी हम वहाँ पे निरंतर अपने कार्य कर रहे हैं और अभी अचानक से आदेश आता है कि 28 फरवरी को आपका जो कार्य दिवस है वो अंतिम कार्य दिवस है, आप अपने कार्य समाप्त करने के बाद इनकी जो सेवाएँ हैं उनको नियमित नियोजित नहीं किया जाएगा आगे के लिए। तो अब अचानक से हम सभी लोग कहाँ जाएं जिन्हें पिछले एक साल से, किसी को 13 साल से वेतन नहीं, 13 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो हम लोग बिना वेतन के ऐसे कैसे वो हमें निकाल सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो हमारे को आदेश आया है उसके लिए हम कलेक्टर साहब के पास में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम लोगों के किसी 2 से 2.5 लाख रुपये जो है अभी हमारे मानदेय हमारा बाकी है, बकाया है जो हमें मिलना है। कितने लोग हैं आप लोग? हम ऐसे हम टोटल 1800 कर्मचारी हैं पूरे राजस्थान के अंदर, 205 विद्यालयों में चल रहा है। मेरा नाम रीना सोलोमन। आज ये हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ के जो विद्यार्थी लोग हैं जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों ही हैं, तो इनको 2013 से ये अपने अपने अलग अलग विद्यालय में कंप्यूटर वगैरह बच्चों को 9th से, जैसे कि अभी बताया मैडम ने, क्लासेज वगैरह लेते हैं। अब आप इनके साथ विडंबना ये है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे और दूसरी तरफ इनका रोजगार छीनने जा रही है। इन्होंने कल ही बताया महासंघ इनके साथ में खड़ा हुआ है, इसीलिए श्रम कर्मचारी महासंघ इनके साथ इसीलिए खड़ा हुआ है कि आज ये ज्ञापन लेके आए हैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटा सर के नाम। आप देखिए कि ये टोटल राजस्थान के अंदर 1810 ये बच्चे हैं जिनके अंदर जेंट्स लेडीज दोनों हैं, और अजमेर ज़िले के 96 से 100 के करीब बच्चे हैं। और पिछले जो सरकार थी, ये आपको मैं बताता हूँ निजीकरण का एक उदाहरण, निजीकरण में फर्मों को इन्होंने ठेके दे रखे हैं और इन बच्चों को गवर्नमेंट तो निजीकरण में ठेका देके और दूर हट गई, और इन बच्चों को किसी को 8 महीने से, किसी को 9 महीने से, किसी को 13 महीने से इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। कैसे इनका घर का चल रहा है? पिछली सरकार ने इनको 15,000 जो वेतन मिलता था उसमें इजाफा करके 3,000 बढ़ाए और 18,000 किए, लेकिन वर्तमान गहलोत सरकार जिसके 2 महीने का कार्यकाल बीत चुका है और इन बच्चों को इस 2 महीने का, उसके अलावा पिछला ये बैक जो बैकलॉग है, इनका पेमेंट नहीं मिल रहा। और सबसे आप देखिए कि शिक्षा संकुलन के अंदर गोविंद सिंह जी डोटासर ने जाते ही एक आदेश जारी कर दिया कि भाई आपकी सेवाएं 28 फरवरी के बाद समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसे में ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गहलोत साहब नींद से जागिए, आपको ये धरातल पर आना पड़ेगा। आपको ये पता नहीं है कि धरातल पर क्या हो रहा है? आप आज ही इस बारे में संज्ञान लीजिए। आप एक तरफ तो कह रहे हैं क्या गुजर पटरी पे बैठे, दूसरी तरफ हमारे रोजगार को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे। आज इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाए और इन 1810 बच्चों को इनका नियमितीकरण का आदेश आज जारी किया जाए और पिछला जो भुगतान है वो तुरंत भुगतान दिलाया जाए और जो फर्में इनको भुगतान नहीं कर रही है उनको सीज करके उनको पाबंद किया जाए। कांति शर्मा, जिला अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर।